अलैकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बोला था, बैक टू बैक वीडियोज आएंगी, स्टोरीज आएंगी। वैसे मैं अपना वादा पूरा करते हुए चल रहा हूँ। तो आज की स्टोरी है एक अंधा एतमाद। जो बंदे बगैर कुछ सोचे समझे अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों पर एतमाद कर लेते हैं, उनके लिए आज की स्टोरी है। तो बिना किसी रोक टोक के स्टोरी शुरू करता हूँ। अच्छा, स्टोरी से शुरू पहले बात बोलूँ मैं, प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक, चैनल को नहीं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मैं आप लोग के लिए और स्टोरीज लाता रहूं। अभी फ़िलहाल सेकेंड ईयर चल रहा है, शुरू है, इसलिए वीडियोस बना रहा हूं फटाफट। तो बस स्टोरी करते हैं शुरू, स्टोरी शुरू करते हैं एक अंधे एतमाद पे ना। सही है, एक नेकलेस के बारे में। इसका पहले मैं क्रेडिट दूंगा इंग्लिश की बुक जिन्होंने लिखी है, उनका नाम होगा कुछ नाम कुछ होगा। मैंने कहा ये स्टोरी पढ़ी थी तो मैं अच्छी लगी है, इंस्पायर हुआ मैं इससे, तो मैं बोला आप लोग को भी सुनाता हूँ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है, तो दोनों जना मतलब मियाँ बीवी होते हैं। वो लोग एक बहुत मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके जो हस्बैंड होते हैं उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जना वो अपना जना क्या कहते हैं सही से घर चला सकें। तो वो जो वाइफ होती है वो भी काम करती है और हस्बैंड भी काम करता है, दोनों मिलके जाना घर चलाते थे। तो जाना होता है कि जो उसका जो हस्बैंड था वो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करता था, पोस्ट अच्छी थी, सैलरी भी नॉर्मल थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी स्टोरी बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं थी, लेकिन जाना उसके जो मतलब बॉस वगैरह थे ना वो सारे अपर क्लास के थे, सब फॉर्चुनर या लैंड क्रूज़र वगैरह में घूमते थे। तो उन लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, उसका प्रमोशन भी हुआ था, तो उसने बोला चलो पार्टी ऑर्गेनाइज है तो अच्छी पार्टी होगी, हाई लेवल की पार्टी होगी। तो उन्होंने एक ओशन मॉल, यहाँ क्लिफ्टन जैसे है ना ओशन मॉल, वैसे जाना उन्होंने उस वगैरह मॉल में पार्टी रखी। तो इन लोगों ने बोला कि भाई अब पार्टी तो बढ़े उसमें, तो मतलब कोई अच्छे कपड़े वगैरह पहन के जाने चाहिए। इन लोगों के पास इतनी इनकम, मैंने आप जैसे पहले बताया कि इनकम इतनी थी नहीं, तो इन लोगों ने बोला हम किसी से बोरो कर लेते हैं पैसे, तो थोड़े बहुत, तो उन्होंने खैर थोड़े बहुत पैसे बोरो करके या ख़ुद अपनी सेविंग्स जैना लगा दी उसमें, और एक अच्छा सा जैना मतलब सबने अपने नहीं कपड़े ले लिए। अब जब एक भाई देखो, हम लोग का तो ये है कि पैंट शर्ट ले लिया, बस एक हुआ घड़ी पहनी चल लिए, लेकिन उनकी वाइफ थी, उन्होंने बोला कि मुझे ज्वेलरी वगैरह भी चाहिए। ज्वेलरी वगैरह में उन्होंने मांगा नेकलेस, तो उन्होंने बोला कि मुझे तकरीबन एक नेकलेस तो कम अज़ कम पहनना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल पहन लो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, जब अपर क्लास की पार्टी है तो कोई गोल्ड वोल्ड का नेकलेस पहनना चाहिए। तो उनकी एक मतलब जो है वो कहते नेबर्स थे उनके, वो बहुत अमीर थे क्योंकि वो उस सोसाइटी में रहते थे जो उन्होंने ऑफिस की तरफ से मिला हुआ था, घर मिला हुआ नहीं था बल्कि उन्होंने घर खरीदा हुआ था अच्छे, उसमें ना उनको अपनी दादा वगैरह की जायदाद से मिला हुआ था घर। तो उन्होंने बोला कि मतलब अच्छे वहाँ पे घराने के लोग थे, तो उन्होंने अपने नेबर्स से बातचीत थी काफ़ी, जाते रहते थे। तो उन्होंने उनसे बोला कि आप जो है ना हमें क्या कहते हैं एक नेकलेस जो है ना एज अ बोरो दे दें एक पार्टी के लिए, वन नाइट पार्टी, और फिर उसके बाद वो आके उनको वापस दे देंगे। तो उन्होंने जो है ना अपना कोई गोल्ड का नेकलेस था, उन्होंने ये बोला कि बस आप नेकलेस दे दें, उन्होंने ये बात नहीं करी कि गोल्ड का नेकलेस दे दें, उन्होंने नेकलेस दी, उन्होंने बोला हाँ जी ये नेकलेस है ये लो ले लो। अब वो नेकलेस इतना हाई मतलब उसका था कि उस पर पॉलिश वॉलिश हुई हुई थी, वो बिल्कुल लग रहा था असली गोल्ड का है। तो फिर इन लोगों ने जाना वो ले लिया नेकलेस और वो पहन के पार्टी वार्टी ज्वाइन कर ली, सब ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जैसी जब पार्टी से वापसी आ रहे थे ना, तो सीन ये हुआ कि उनके जाना नेकलेस, उन्होंने देखा अपने गले में नेकलेस था ही नहीं, नेकलेस उस पार्टी में कहीं गिर गया था। अब हाई अपर क्लास की पार्टी थी, अब वहाँ नेकलेस ढूंढते हुए अच्छे लगते, तो यह ना इसलिए उन्होंने बोला कि नेकलेस छोड़ो, नेकलेस जो है ना उन्होंने नहीं देखा। और फिर जो है ना वो लोग घर आए तो उनको और टेंशन हुई कि ये किसी का बोरो किया हुआ नेकलेस था और ये नहीं मिला, ये तो बहुत गलत हो गया। तो उन्होंने बोला अब क्या करें, उन्होंने फिर बैठ कर सोचा, वो बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने बोला कि इस नेकलेस की कीमत तकरीबन ना उस वक्त में 1-2 लाख थी, उस वक्त के लिए 1-2 लाख बहुत थी। तो उन्होंने बोला 2 लाख कीमत नेकलेस की है तो क्या करें अब इसके लिए, क्योंकि उनको नेकलेस भी वापस देना था। तो उन्होंने क्या करा कि जो है ना अपना घर जो है वो बेच दिया, जो उनके पास एक ही कुछ बचा था उन्होंने घर बेच दिया, और ऑफिस से भी मतलब गोल्डन शिकन ले लिया कि पैसा मिल जाए। उन्होंने वो सब पैसे जोड़ के जो है ना उन्होंने नेकलेस उसको दे दिया, क्विन को, मतलब क्विन क्या जो अच्छी अपर क्लास की थी उनको दे दिया।
तो उन्होंने नेकलेस तो दे दिया। अब ये ना उन्होंने उन्होंने रख लिया नेकलेस, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि भाई पॉल, उन्होंने सेम नेकलेस ऐसे ही ख़रीदा था तो उनको लगा नहीं इतना कि ये गोल्ड का है, उन्होंने उठा के रख दिया। सही है, फिर जो है ना वो लोग, अब उन्होंने घर तो बेच दिया था, अब वो लोग एक बहुत लोअर क्लास ज़िंदगी गुजारने लगे, बिल्कुल ही गुर्बत वाली, ठीक है। और जो है ना उन्होंने अपना घर का रेंट भी दे जैसे देना था, घर के एक्सपेंस वगैरह जैसे चलाने थे, तो वो भी किसी से बोरो लिया था नेकलेस ख़रीदने के लिए पैसे, क्योंकि उनको घर के एक्सपेंस के लिए आगे का भी सोचना था अपना, इसलिए उन्होंने किसी से बोरो लिया और ज़िंदगी भर उन्होंने लगा दी अपनी, तकरीबन उन्होंने लगा दी अपने तकरीबन 5 10 15 साल लगा दिए। और 10 15 साल लगा के जब उनका जिस दिन उनका जो है ना उधार मतलब पूरा हो गया, उनके पास बस अब यही था हैंड टू माउथ सीन था कि जैसे जो पैसे आने वो खर्चों ने, तो उन्होंने उस दिन वो अपनी फ्रेंड को जाके बताया कि जो है दोस्त फ्रेंड थी वो बहुत अच्छी, तो उन्होंने जाके बताया कि आप ऐसे ऐसे आपका नेकलेस जो है वो हमसे मिस आउट हो गया था और फिर हमने जाना उनके पैसे लेके आपका नेकलेस ख़रीदवाया। तो उन्होंने उन्होंने फिर उसके बाद बोला, उन्होंने बोला जो नेकलेस तुमसे गुम हुआ था ना वो नेकलेस नकली था। तो जब उनकी बात पता चली उन्होंने बोला तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने बोला भाई आपने तो नेकलेस मांगा था, या चले आपने गोल्ड का भी नेकलेस बोला था, मैंने आपको नेकलेस दे दिया, मुझे थोड़ी पता था आपके पैसे लगा के आप ख़रीद के ले आती, आप मुझे बता दी दो। तो मतलब एक तरह से उनकी फ्रेंड की है वो दी, उनकी फ्रेंड तेज थी कि उन्होंने, और उनको पूरी ज़िंदगी है ना पूरी ज़िंदगी लग गई सिर्फ एक नकली नेकलेस मतलब नकली नेकलेस गिरा के, और असली नेकलेस उनको दे के उनको ही दे के, और जब वो नेकलेस उनको वापस करनी, लेकिन फ़ायदा पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि जाना किसी पे भी जाना अंधा एतमाद नहीं करो, यानी कि बस अगर ले लिया ना नेकलेस तो बिल्कुल ही नहीं, वो मेरा फ्रेंड है उसने सही चीज़ ही दी होगी, क्या पता भाई उसने भी आपको नकली उठा के दे दिया हो। सही है, ये थी मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब आप हर चीज़ की जान पड़ताल करो, मतलब आपको वो दोस्त भी है। इसी बात पे एक लाइन कहूँगा, अब मैं इसी नहीं है कि मैं स्टोरी सुना देता हूँ ना, आखिर में एक थोड़ी मज़ा आने वाली जो है ना लाइन हो जाए एक। सही है, तो लाइन कुछ यूँ है कि जब आप चेहरे पढ़ने लग जाओगे ना लोगों के, तो आप लोग की दोस्तियाँ टूट जाएंगी, ये लाइन है। तो बस यार यही स्टोरी थी, और अगर आपको पता है अब जैसे ये इंग्लिश की बुक में है ना फर्स्ट ईयर की चैप्टर भी है, तो अगर आप लोग को चैप्टर वैप्टर समझना है ना तो आप लोग मुझे वो दे दो, मैं अभी अभी इस फ्री टाइम में ना तो मैं आप लोग को वो चैप्टर खुद पहले पढ़ूंगा समझूंगा, आप लोग को बड़ी वीआईपी तरीके से समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, और ऐसी वीडियोस आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि भाई मैं बोलोगे कि वाकई यार कोई मेरी स्टोरीज़ देखता है तो मैं आगे, ताकि मुझे मेहनत करूँ। आप टेंशन नहीं लो, स्टोरीज और मज़े की आएंगी, ये थोड़ी आप लोग को सबक देने के लिए, फिर हम अच्छी स्टोरीज़ भी लाएंगे, हंसने वाली स्टोरीज़ भी लाएंगे, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी स्टोरी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।